दो घंटे आप उसे अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं थे। आप क्या चाहते हैं, सारी जिंदगी इसे अपने गले में डाल के रखे हम? आप इलियास भाई को बुला दें, मुझे उनसे बात करनी है। क्यों इलियास साहब से बात करनी है आपको? आप मुझसे बात कीजिए। इलियास साहब को तो शीशे में उतार चुके हैं आप, और वो भी ऐसा उतारा है आपने कि उन्हें आपके दुख दर्द के सिवा अपने आस पास और कोई नजर ही नहीं आता। देखिए, अगर इस बच्चे से कोई गलती हुई है तो मैं इसकी तरफ से माफी मांग लेता हूं। आप एक काम कीजिए, हमें माफ कर दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तो शादी हो चुकी है। शादी? ये शादी नहीं है जी, ये सरासर ब्लैकमेलिंग है, चालाकी है आप लोगों की। और मेरा बेटा और मेरे शौहर इतने मासूम हैं कि आपकी बातों में आ गए। ऐसा मत कहिए, खुदा का वास्ते ऐसा मत कहिए। अगर इसने कोई गुस्ताखी की है, कोई बेअदबी की है, तो मैं फराज बेटे से माफी मांग लेता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं समीन के साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकता। फराज प्लीज, इसे मत कर, अब्बू के सामने तो ये बात मत कर। मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ इब्राहिम साहब। इसलिए आप इसको यहां से ले जाएं। बाकी कागजी कार्रवाई वो हम बाद में कर लेंगे। फराज प्लीज, प्लीज ऐसे मत कह, मैं आपको किसी चीज से नहीं रोकूंगी। आपको दूसरी शादी करनी है आप कर लें, बस मुझे इस घर से जाने का ना कहे। और मेरे अब्बू को प्लीज ये अजियत मत दे। फराज बेटा, तुम जरा मेरे साथ आओ। नसरीन, जब ये लोग चले जाएं तो बता देना। आप प्लीज परेशान नहीं हूं, मैं बात करूंगी, सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूंगी। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, तुम्हें यही रहना होगा समीर। कि अगर आज मैं तुम्हें अपने साथ ले गया, फिर इस घर में तुम्हारी वापसी कभी नहीं हो सकती। घर जाए और मेरे लिए परेशान मत, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ, यहीं रहूंगी।